झरिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बुधवार 5 अक्टूबर की रात मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। विसर्जन में शामिल सभी लोग मूर्ति छोड़कर भाग निकले। लाठीचार्ज से कई लोग घायल हुए। लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। मौके पर डीएसपी, सीओ और शांति समिति के लोगों के समझाने के बाद मूर्ति विसर्जन किया गया। समिति के लोगों ने बताया कि स्टेशन रोड पूजा पंडाल से मूर्ति विसर्जन के लिए राजा तालाब जा रहे थे, तभी बाटा मोड़ में पुलिस ने रोक लिया और कहने लगी कि रात 10 बजे के बाद विसर्जन के लिए कैसे निकले, 10 बजे के बाद विसर्जन नहीं करना है। तभी कुछ लोगों ने कहा कि सप्तमी बेल भरनी के दौरान नो एंट्री के बावजूद ट्रक कैसे आ गया और पंडित जी को कुचल दिया, उस समय आप लोग कहाँ थे। इसी पर बकझक हुई, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। समिति की महिला गीता देवी ने बताया कि पंडाल से ही साथ में पुलिस थी, अगर रोकना था तो वहीं पर रोक देते, बीच में रोका गया और पुलिस के द्वारा जमकर लाठीचार्ज की गई, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हुए और सड़क पर भीड़ होने की वजह से लोग देर से निकले। सूचना पर डीएसपी अभिषेक कुमार, सीओ प्रमेश कुशवाहा मौके पर पहुंचे, समिति के लोगों को बुलवाया, समझाकर मूर्ति विसर्जन करवाया गया। डीएसपी ने कहा कि बकझक हुई थी, लाठीचार्ज नहीं हुआ, अगर बात आ रही है तो मामले की जांच की जाएगी। सीओ प्रमेश कुशवाहा ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही है, लाठीचार्ज और नो एंट्री में ट्रक दाखिल होने और दुर्घटना होने की भी जांच की जाएगी। कुछ बताइए क्या कुछ आराम से बताइए। हम लोग सामने जो हुआ, हम लोग देखिए वहाँ से मूर्ति विसर्जन लड़का लोग लाया जी। हम लोग पीछे पीछे गए, इधर से भी प्रशासन था। अच्छा। तो हम लोग क्या मालूम था कि प्रशासन इस तरह यहाँ गुंडागर्दी करेगा। तो हम लोग आगे बढ़े, उधर से भी प्रशासन आया, तो प्रशासन दौड़ते आया था। हम लोग इस समय नहीं थे कि हम लोग से किसी कोई बात होगा तो दौड़ते जा रहा है। प्रशासन आया, बस बच्चा लोग पर लाठीचार्ज सुधा करने लगा। क्या कारण क्या रहा लाठीचार्ज करने का कारण? अब कारण उस समय तो कोई कारण नहीं दिखाई दिया हम लोग को, कारण जो दिखाई दिया वही ना हम बोलेंगे। अब हम कारण नहीं देखे, बस इतना देखे कि वो लोग आया सीधा मारने शुरू कर दिया। बच्चा लोग माने लाठी में इतना मार मारा ना कि लाठी टूट गया, लाठी टूट गया। जो बच्चा जो बचाने भी जा रहा है उसको भी पिटने लग रहा है। यहाँ पे कितने लोग घायल हैं? 10 लड़का घायल है, घोड़े में मारवे किया है, खेलने पर पीठ पर मारा है। अभी यहाँ पर डीएसपी साहब और सीओ साहब आए, क्या बोले हैं, क्या सुन दिए? बोला हम सवेर में सुलझ लाएंगे, बाद में समस्या हल किया जाएगा, बाद में समझौता किया जाएगा। अभी प्रतिमा विसर्जन हो गया है, किया गया क्या? प्रतिमा विसर्जन अभी किया गया है। मूर्ति मूर्ति जब लाठी चार्ज कर दिया तो मूर्ति वहाँ छोड़ गया है। हाँ, यही से छोड़ दिया। जब लड़के घायल हो गया तो कौन करेगा? लड़का लोग जब घायल हो गया तो करेगा कौन? क्या हुआ, अपन पूरा नाम क्या हुआ? मेरा रीता देवी। प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही है, लोग उनसे वार्ता हुई है, लोग अपने सहमति में उनके सहमति के साथ उनको लिखते हुए सबको बस निर्देश दिए, यही सुझाव है कि सब लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन करें। और ये त्यौहार काफ़ी पावन त्यौहार है और लगभग सभी जगह काफ़ी अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मिलता है, केवल अंत बाकी है। कुछ आज नॉर्मली हमारे मंडल में लगभग 80% विसर्जन हो चुके हैं, 20% बाकी है। लोगों से ये उम्मीद है कि बाकी लोग पक्का शासन का साथ देते हुए मूर्ति विसर्जन करें ताकि हम उसके लिए वहाँ का क्या मामला था सर? कुछ नहीं, 2 दिन पहले यहाँ पर घटना घटी थी, पुजारी की ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी घटना को जोड़कर लोगों द्वारा विवाद किया जा रहा है कि पुलिस आज इतनी सतर्क है कि उस दिन सतर्क रहती तो वो घटना नहीं घटी रहती। जबकि मॉर्निंग का समय था और उस समय पुलिस गश्ती में थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घट गई है और उसी को लेकर विवाद को भी समझाया गया है, लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि हम लोग जो भी आप लिखित देंगे उस पर कार्रवाई। ड्यूटी पर थे पहना उनके ऊपर उनकी जिम्मेवारी थी कि ट्रैफिक व्यवस्था की जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठी दिया गया क्योंकि उस दौरान ऑटो की जो परिचालन है उसको ठप कर दिया गया था, लेकिन रथ जो है
वो यहाँ पे घुस गई थी। तो कहीं ना कहीं जाँच का एक विषय है सर कि इतनी बड़ी घटना हो गई और दिन के उजाले में ट्रक घुस जाते हैं। उन्होंने ठीक है डीएसपी साहब के बारे में बताया ही आप लोग को सर, यहाँ पर प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करने का भी आरोप लग रहा है। लाठी चार्ज ऐसी नहीं है, भीड़ को समझाने बुझाने के लोगों को समझाया जा रहा था, उसी में विवाद हुआ है। ऐसी घटना लाठी चार्ज को है सर, कुछ व्यक्ति भी जख्मी हुए हैं लाठी चार्ज में। कुछ डीएसपी साहब तो बताएंगे, जांच का विषय जांच किया जाएगा उसके बारे में।